किसी भी नदी पे काम करना इतना आसान काम नहीं होता, काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। अगर हम कालीबेई की बात करें तो 160 किलोमीटर लंबी बहने वाली नदी में बहुत तरह की चुनौतियाँ थीं, क्योंकि बहुत समय से नदी पे किसी का ध्यान नहीं था, तो नदी की ज़्यादातर ज़मीनों पर कब्जा हो गया था, काफ़ी ज़मीनों पे कब्जा था। और नदी के किनारे करीब 70-80 गांव हैं और 7-8 नगरीय क्षेत्र हैं, तो इनके सीवेज वाटर लगभग नदी में ही जाते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती है कि अगर नगरी क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे लोग कब्जा करके उस पर मकान बना चुके होते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती होती है। और एक चौथी बड़ी चुनौती के रूप में अगर हम बात करें तो लंबे समय से चूँकि उसका धीरे धीरे उसमें इतना सिल्ट भर चुकी होती है, इतनी ज़्यादा सिल्ट होती है कि नदी का मेन कोर्स लगभग सिल्ट से भरा होता होता तो नदी ठीक से बह नहीं पाती है। और पांचवी बड़ी चुनौती है कि नदियों के साथ कि अगर हम कालीबेई की ही बात करें तो करीब 7 के करीब नगरीय क्षेत्र हैं, तो नगर निगम हैं, वहाँ अगर आपको नदी पर काम करना है तो क्योंकि सीवेज वाटर अगर नदी में जा रहा है तो अगर आपको काम करना है तो नगर निगम से बात करनी पड़ेगी। 70-80 गांव हैं, तो अगर उन गांवों में अगर आप नदी में काम करना चाहते हैं तो फिर गांव पंचायतों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग उस नदी के क्षेत्र में कब्जा करके खेती कर रहे होंगे। तो ये 4-5 बड़ी चुनौतियां होती हैं नदी के क्षेत्र में। और उन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बहुत तरह की सरकारों का और विभागों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी नदी में। तो अगर हम जैसे बात करें वहाँ कई एसटीपी लगी हैं, तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा, और चूंकि एनजीटी में मुकदमे चल रहे हैं तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ स्टेट सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि नगरीय क्षेत्र आते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स स्थिति पैदा होती है और इसमें कोई भी अपना हक छोड़ना नहीं चाहता। अगर हम कब्जे की ही बात करें तो किसी भी नदी के किनारे इतने कब्जे होते हैं, और उनसे अगर हम निवेदन करें कि नदी का ज़मीन छोड़ दीजिए तो लड़ाई झगड़े पे उतार आते हैं। नगरी क्षेत्र में अगर हम कहें कि सीवेज वाटर नदी में ना डालिए तो बहुत सारी राजनीति निकल करके सामने चली आती है। तो इस तरह की चुनौतियों में बाबा संत सिच्चेवाल काम कर रहे थे, और एक स्थिति तो यहाँ तक आई कि इन चुनौतियों में उनको उनके ऊपर गोली भी चलाई गई। जिस चुनौती यही है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार की जो काम है वो नहीं कर पा रहे, लोगों का पूरा सहयोग है, और जो प्रशासन ने काम करने थे, जो किसी शहर का गंदा पानी है ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, वो ये लग गया उसको चलाना, और जो जो अभी भी इसमें डर रहे हैं वो जो सरकार के करने वाले काम अभी भी पहने का, और कहीं किसी गांव के पास जमीन में उसको खड्डा खोद कर देना, कुछ मोटर लगानी या कुछ और बहुत काम है। जो चुनौती है वो प्रशासन और सरकार की ओर से है, लोग तो अपने आप सब करते जाते हैं, और कोई चुनौती नहीं। नदी की सफाई करने से इसमें पानी बहने लगा, और पानी बहने से पानी धरती से नीचे रिचार्ज होकर पंजाब का सभी पानी नीचे जा रहा, पर जहां ये काली नदी बह रही है इनका पानी का लेवल ऊपर आ रहा। सो दूसरा, जो लोग इसके किनारे है उसके पानी को खेतों में लगा सकते, इस पानी से लेवल बना रहता। दूसरा, जब बाढ़ आती है, बाढ़ से आती है जो पानी को लेकर जाती है, बाढ़ से बचाव होता। और ऐसे नदी में अनेक जलचर जीव इसमें है, तो दोबारा ऐसे नदी में जो मछली छिपी जो कुछ भी पानी का है वो इसमें फिर दोबारा पैदा होने से दोबारा इसमें वो प्रजातियां आनी शुरू होगी। और जो नजदीक के लोग जो बदबू मारती थी, अब जो उनके नहा सकते हैं, पशुओं को पानी पिला सकते हैं, इस नदी का पानी अमृत जैसा बन गया।
तो आज जो पहले यही बाढ़ भी देती थी और सूखा भी देती थी, अब बाढ़ भी नहीं रहा सूखा भी नहीं रहा, सबको स्वच्छ जल दे रहा है। बाबा संत सिचेवाल की काली बेई कार सेवा की शुरुआत के पीछे कहानी है। 14 जुलाई 2000 को जालंधर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के हॉल में एक मीटिंग रखी गई थी और पर्यावरण की चिंता के लिए एक मीटिंग थी, और उसमें बहुत तरह की सेमिनार में, जैसे पर्यावरण के सेमिनारों में जैसे बातें होती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, और नदियों के मुद्दे पे भी चिंता रखी गई थी कि नदियों की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। तो बाबा ने पूछा कि जब इतनी ख़राब स्थिति हो रही है तो निश्चित है कि हमें कुछ काम करने की शुरुआत करनी चाहिए, और उन्होंने उसी दिन घोषणा की कि मैं काली बे की कार सेवा की शुरुआत करता हूँ। पूरी नदी काली बेई लगभग जलकुंभी से भर गई थी। पंजाबी में बूटी कहते हैं, हिंदी में जलकुंभी कहते हैं, अंग्रेजी में हायसिंथ कहते हैं। तीनों का मतलब यह है कि ये जो जलकुंभी है लगभग 160 किलोमीटर नदी में पूरी तरह भरी हुई थी। इससे बदबू बहुत होती है, पूरी नदी एक बदबूदार नाले के जैसी लगभग हो गई थी। तो लेकिन आज अगर नदियों के पैमाने पे कहें तो आज जो बदलाव दिख रहा है कि हाँ, उस नदी के पास भी अगर कोई जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा है कि लोग नहाना पसंद करते हैं। ये उस नदी की वाटर क्वालिटी में इतना परिवर्तन आया है। दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी चुनौती, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा संत सिचेवाल को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, और टाइम मैगजीन ने हीरोज ऑफ एनवायरनमेंट करके एक सूची जारी की, 30 पूरी दुनिया से 30 ऐसे पर्यावरण के एक्टिविस्ट जिन्होंने पर्यावरण में कुछ अतिरिक्त और कुछ एक्स्ट्रा काम किया हो, तो उसमें बाबा सिचेवाल को टाइम मैगजीन ने रखा है। तो ये कई उपलब्धियां बाबा सिचेवाल को के काम को जाती हैं और उनके कार सेवा को जाती हैं। लेकिन जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि इस उनके काम से सीखने बहुत लोग आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उनके आश्रम पहुंचे और उनके काम को देखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, उनके आश्रम पहुंचे और उनके नदी के पूरे काम को देखा। बाबा रामदेव गए और उन्होंने बाबा संत सिचेवाल के काम को देखा। हमारे सबसे प्रिय हाल फिलहाल के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी वहाँ 2 बार गए और उन्होंने कई जगहों पर उस संदर्भ को रखा, काली बेई के रिवाइवल के संदर्भ को रखा कि किस तरह से काली बेई जिंदा हुई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुँचे, तो देश दुनिया की कई शख्सियतें वहाँ पहुँची और बाबा सिचेवाल जी को लंदन की पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का मौका मिला। तो देश दुनिया के कई जगहों पर बाबा संत सिचेवाल ने अपनी बात रखी और एक नदी के रिवाइवल को अपनी जो उनके अनुभव थे वो सबसे शेयर किया, और नदी के किनारों पर खूब पेड़ लगाए हैं बाबा की टीम ने। गुरबानी में एक बड़ा सुंदर संदर्भ आया है धरती पानी पर्यावरण के बारे में। गुरबानी में कहा गया है, पवन गुरु पानी पिता माता धरति महतु, दिवसु रात दुई दाई दैया खेलई सगल जगतु। पूरी मानवता को भाईचारा का पाठ पढ़ाने वाले बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा है कि पवन यानी हवा गुरु के समान है, पानी पिता के समान है और धरती माता समान के है। इसका मतलब ये है कि संदर्भ ये है कि आप अगर नदियों की सेवा करते हैं तो भी लंगर करते हैं, क्योंकि अगर साफ धरती साफ नदियाँ रहेंगी, पीने लायक होंगी, नहाने लायक होंगी, खेतों में सिंचाई लायक होंगी,
तो वो भी तो हमारा एक लंगर है, लाखों लोगों की सेवा हम कर रहे होते हैं। हम पेड़ लगाते हैं तो वो भी हमारा एक लंगर है, क्योंकि हम अच्छे पेड़ लगाते हैं, उससे हमारी खराब हवा अच्छी हवा में बदलती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो हम लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, यानी ये भी एक लंगर है। हम नदी और पर्यावरण का काम करते हैं तो एक तरह से हम धरती की सेवा कर रहे हैं, और धरती माता के समान है बाबा गुरु नानक देव जी के शब्दों में, तो हम ये भी एक लंगर का काम कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप निर्मल कुटिया आइए। निर्मल कुटिया कपूरथला से करीब, मेरा अंदाज़ा है कि 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है, सुल्तानपुर लोधी कस्बे में निर्मल कुटिया है, और वहीं बेर साहिब गुरुद्वारा स्थित है, तो दोनों बहुत सुंदर जगह हैं। और निर्मल कुटिया आप बाबा संत सिचेवाल के दर्शन कीजिए, नदी का दर्शन कीजिए, नदी एक सुंदर रूप में बदल गई है उसको देखिए, और देश और अपनी जगहों पर आप जब लौट के जाएं तो पानी, पर्यावरण और पेड़ का काम कुछ ना कुछ ज़रूर करें।